यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1412 हो चुकी है और अब तक 1226 एक्टिव केसेस हैं। अभी तक यूपी में बात करें तो 165 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। 53 जिले कोरोना वायरस की चपेट में हैं और कोरोना से अभी तक उत्तर प्रदेश में 21 लोगों की मौत हुई है। 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं यूपी में, जो एक अच्छा संकेत भी है। तो यूपी में संक्रमण प्रभावित 10 जनपद कोरोना मुक्त हो चुके हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली और प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी, यहां पर अब एक भी केसेस कोरोना का नहीं है। तो वहीं गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे की सख्ती का खासा असर देखा जा रहा है। आपको बता दें, यूपी बॉर्डर पर बेवजह घूमने वालों की संख्या घट चुकी है। दिल्ली गाजियाबाद के बीच में आवागमन पूरी तरीके से नियंत्रित किया गया है। बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है पूरी सख्ती का असर दिख रहा है। बेवजह घूमने वालों की संख्या घट चुकी है। और गाजियाबाद के बीच में आवागमन पूरी तरह से नियंत्रित है। बॉर्डर पर पूरी सख्ती की जा रही है और सख्ती का असर यह है कि जो लोग अनावश्यक दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में आवागमन कर रहे थे, उनकी संख्या में काफी कमी आई है। और जो जेन्यून लोग हैं, जो वैलिड पास होल्डर्स हैं, उनको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन जारी है। सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी बेवजह घर से ना निकले, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आपकी मदद के लिए हम सदैव तत्पर हैं। कई कोरोना वॉरियर्स जनता के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, हर कोई बखूबी अपना फर्ज निभा रहा है। और एक ऐसी ही तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां पर मुरादाबाद पुलिस की महिला सिपाही अपनी 2 साल की बेटी के साथ में ड्यूटी कर रही है। महिला सिपाही के पति रेलवे में सर्विस करते हैं, पति की तबीयत ठीक नहीं है और बेटी को साथ लेकर वो थाने पर ड्यूटी करने आती हैं। वाकई में न्यूज़ वन इंडिया इस महिला सिपाही को इनके जज्बे पर दिल से सलाम करता है। पोस्टिंग है मेरी। अच्छा। अभी लॉकडाउन है, थोड़ा बच्ची थोड़ा परेशान कर रही है। हस्बैंड लोग रेलवे में है। अच्छा। तो वो नाइट में करते हैं, मैं डे में करती हूँ। अभी हस्बैंड की तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो ये रोती है घर पे, इसलिए रोज डेली लेके आती हैं। डेली नहीं सर, जिस जब हस्बैंड की तबीयत सही नहीं होती ना तो तब लेके आ जाती है। अभी उनकी तबीयत कुछ दिनों से ज़्यादा खराब है थोड़ी सी, तो इसलिए अब लेके आ जाती है। अब ड्यूटी भी करती हैं बच्चों? हाँ जी, बच्चे को भी रखती हूँ, ड्यूटी भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, सब कुछ देखना पड़ता है। क्या करें सर? तो क्या मानती हैं, ऐसे समय पर आप अपना योगदान दे रही हैं, तो क्या आपकी अपेक्षाएँ हैं? क्या क्या सर, देश सेवा करने का मौका मिला, किस्मत से देश की सेवा करने का मौका मिलता है तो पीछे तो हटेंगे नहीं सर, चाहे बच्चों को लेकर आना पड़े चाहे। 2 साल से महिला थाने में। मथुरा के पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने मथुरा के कई इलाकों का जायजा लिया, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। हमारे और डीएम साहब द्वारा सुबह के समय पर लॉकडाउन की क्या व्यवस्था, उसका जायज़ा लेने के लिए डम्पियर नगर की सब्जी मंडी व अन्य स्थानों का भ्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा बहुत बड़ी एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए सब्जी मंडी यहाँ पर जो चल रही है उसके लिए फोर्स भी लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है, मैक्सिमम लोगों के मास्क लगाने का प्रयास किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से भीड़ ना लग पाए और किसी भी प्रकार की अफरा तफरी ना हो पाए। इसी के साथ साथ होली गेट पर और बाकी जगह पर भी जायजा लिया जा रहा है, जिसके आधार पर लॉकडाउन को और प्रभावित। देखिए, एसपी सिटी, सीओ सिटी और पूरी फोर्स के साथ हम लोगों ने विकास बाजार के पास लगने वाले सब्जी मंडी, उससे आगे होली गेट पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आज
20 से अधिक गाड़ियों को भी चालान किया, जो क्योंकि नो व्हीकल जोन में लोग अपनी गाड़ी लेके आ जा रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि अपनी गाड़ियाँ जो निर्धारित पार्किंग है पार्किंग में खड़ी करें, पैदल जाकर के सामग्री सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना सामग्री परचेज करें, लोगों से दूरी बनाए रखें, अनावश्यक भीड़ न करें, क्योंकि सामान की कोई कमी नहीं है, हर सामान उपलब्ध है। 7 से 10 जो टाइम दिया गया उस टाइम का। खबर मेरठ से है जहां भाजपा महानगर अध्यक्ष का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला। आपको बता दें भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंगल का ड्राइवर विभांशु कोरोना पॉजिटिव निकला है। कई विधायकों और सांसदों के भी संपर्क में आया था कोरोना पॉजिटिव विभांशु। कई दिनों से एमएलए एमपी के साथ में मिलकर जरूरतमंदों को खाना बांट रहा था। विभांशु के कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रशासन और मेरठ भाजपा में हड़कंप का माहौल है। आपको बता दें भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल समेत परिवार को स्वास्थ्य महकमे ने क्वारंटाइन कर दिया है। विभांशु के संपर्क में आए कई और लोग भी क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। ड्राइवर का भाई भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। सांसद संजीव बारियान भी ड्राइवर के साथ में कार में बैठे थे। तो वहीं मेरठ में मेडिकल ऑफिसर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला। आपको बता दें सीएचसी बवाना के सरकारी क्वार्टर में बेहोश मिले मेडिकल ऑफिसर आशीष, दरवाजा तोड़कर बेहोश डॉक्टर आशीष को बाहर निकाला गया। इलाज के दौरान मेडिकल ऑफिसर आशीष ने दम तोड़ दिया है। लाल कुर्ती में बने कोविड-19 के क्वारंटाइन सेंटर के हेड थे आशीष। कल रात ड्यूटी से लौटते वक्त छोटी मवाना सड़क पर बेहोश पड़े हुए थे आशीष। अस्पताल में इलाज कराने के बाद में डॉक्टर आशीष अपने घर चले गए थे। आज सुबह हुई उनकी मौत के बाद में डॉक्टर आशीष का कोविड-19 सैंपल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत का राज खुल पाएगी। तो वहीं गाजीपुर में तेंदुए का खौफ ड्रोन कैमरे में नजर आया तेंदुआ। आपको बता दें थाना नोनहरा के शक्करपुर गांव में दिखा तेंदुआ। तो वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने आवास पर वृक्षारोपण किया है। 7 कालिदास मार्ग आवास पर वृक्षारोपण करते हुए दिखाई दिए। ट्वीट करके पृथ्वी दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पृथ्वी दिवस को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सभी देश और प्रदेशवासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस खास अवसर पर हम सब मिलकर भावी पीढ़ियों के लिए वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने, अपने आसपास साफ सफाई करने और धरती को हरी भरी और सुंदर बनाने का संकल्प करें। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन से सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी लागू करीब प्रवासी मजदूर और बेरोजगार और भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा सही तरीके से। वो हर हाल में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो उनकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और लॉकडाउन के नियमों का भी सही से पालन करते हुए उन्हें विशेष ट्रेनों और बसों से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कराएं, जैसा कि कोटा से छात्रों को भेजने हेतु किया गया। खबर लखनऊ से है जहां सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। बता दें सफाई कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके मीडिया कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। रिपोर्टिंग के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। हॉटस्पॉट और कोविड क्षेत्रों में सावधानी बरतने की खास तौर पर सलाह दी गई है। आपको बता दें मीडिया कर्मचारी लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन एरियाज में भी उनको कवरेज के लिए जाना पड़ता है जो हॉटस्पॉट से प्रभावित हैं, जिन एरियाज को सील किया गया है। इसीलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिजवान इंडिया के साथ। नमस्कार।